My precious friend. मेरे बहुमूल्य दोस्तों. Today's promise is from Psalm 20 and verse 4. आज की प्रतिज्ञा का वचन भजन 20 वचन 4 से है. May God give you the desire of your heart and make all your plans succeed. वो तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे. Yes, we have desires in our heart. हाँ, हमारे हृदय में इच्छा होती है. We have plans for our life. हमारे जीवन के लिए योजनाएं होती हैं. But when will this happen? लेकिन ये कब होगा? When will all the desires of our heart and the plans of our life succeed? कब हमारे जीवन की सारी हृदय की जो इच्छा है, मन की इच्छा और सारी जो युक्ति, ये कब पूरी होगी, सफल होगी? Read the previous verse, verse 3. इसके पहले का वचन पढ़िए, वचन 3. It says, May God remember all your sacrifices and accept your burnt offering. ये कहता है, तब तेरे सब अन्य बलियों को स्मरण करे, वो तेरे सब अन्य बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे. God expects you to offer sacrifice. परमेश्वर अपेक्षा करते हैं कि आप बलिदान चढ़ाएं. And burnt offerings. और होम बलि चढ़ाएं. Sacrifice. बलिदान चढ़ाएं. The Bible says the Lord is not interested in sacrificing bulls and goats anymore. बाइबल कहती है कि परमेश्वर अभी तो गाय, बैल और इन बकरों के लहू से परमेश्वर अभी बैल और बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होते. Because Jesus, God Himself came and sacrificed Himself for the forgiveness of the sins of all people. क्योंकि स्वयं यीशु मसीह आए और उसने सभी मनुष्यों के पापों की क्षमा के लिए अपना बलिदान दे दिया. But what does God expect from you and me? परमेश्वर आपसे और मुझसे यही तो अपेक्षा करती है. He says, offer your body as a living sacrifice, holy and acceptable to me. उसने कहा, अपना शरीर तुम मेरे लिए जीवित और पवित्र भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ. Romans 12:1 says so. रोमियो 12:1 इसी तरह से कहता है. As you offer your body holy, without committing sin, जैसे तुम अपने शरीर को चढ़ाते हो पवित्र यानी बिना पाप किए, you're making a sacrifice. तो आप बलिदान कर रहे हैं. You're sacrificing all the pleasures of the world. आप संसार के सारे आनंद का बलिदान कर रहे हैं. To follow Jesus. कि यीशु के पीछे चल सके. To follow Jesus. कि यीशु के पीछे चले. Then, और फिर, He will grant you the desires of your heart. वो आपके मनोरथों को पूरा करेंगे. When you sacrifice your desires to Jesus, जब आप अपनी इच्छाएं प्रभु यीशु मसीह के लिए बलिदान करते हैं, the desire that you have will be only Jesus. तो फिर आपके अंदर बस यही इच्छा होगी कि केवल यीशु हो. And the desire will be to do His will in the world. और आपकी इच्छा होगी कि केवल इस संसार में उसी की इच्छा को पूरी करें. The desire will be to have His blessings. और इच्छा यही होगी कि आप उसकी आशीषें पाएं. And never to fulfill our lusts. और कभी अपनी अभिलाषा को पूरी न करें. Because the Bible says, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you." क्योंकि बाइबल कहती, सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोज करें और तब ये सारी चीजें आपको दे दी जाएगी. Yes, your desire will be Jesus. हाँ, आपकी इच्छा ही यीशु हो जाएगा. When will you get the desires of your heart fulfilled? और आपके हृदय की इच्छा जब पूरी होगी. When you surrender yourself to Jesus. कब पूरी होगी? जब आप अपने आप को यीशु को समर्पित करेंगे. How much will you get? आपको कितना मिलेगा? Matthew 19:30 says. मत्ती 19:13 कहता है. You'll get 100 times. 19:30 कहता है कि हमें 100 गुना मिलेगा. 100 times blessing, prosperity and joy from the Lord in this world. हमें इस संसार में परमेश्वर की ओर से 100% या 100 गुना जो है वो आशीष, संपन्नता और सफलता मिलेगी. When you sacrifice everything in the world for the sake of Jesus. जब आप इस संसार में सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के लिए बलिदान करते हैं. And you will get eternal life too. तब आपको अनंत काल का जीवन भी मिलता है. Even today. और आज भी. Will you sacrifice your life to follow Jesus 100%? क्या आप अपने जीवन का बलिदान करेंगे कि 100% यीशु के पीछे चलने लगे? The Lord will give you 100 times blessing in the world. परमेश्वर आपको इस संसार में 100 गुना आशीष देंगे. And secondly, he'll make all your plans to succeed. और दूसरी बात, वो आपकी सारी योजनाओं को सफल करेंगे.
Yes, the Bible says in Jeremiah 29:11. यिर्मयाह 29:11 में बाइबल ये कहती है, God has made plans for your future. परमेश्वर ने आपके भविष्य के लिए योजना बनाकर रखी है. And no harm will come to you. कोई नुकसान, कोई हानि आपके पास नहीं आएगी. Today, believe God has a plan for your future. आज विश्वास कीजिए कि परमेश्वर ने आपके भविष्य के लिए योजना रखी है. As you believe and wait for Him to fulfill His plan in your life, every plan will succeed in your life. जैसे आप विश्वास करते हैं और उसकी योजना आपके जीवन में पूरी हो जाए, इसके लिए इंतजार करते हैं, तो उसकी हर एक योजना सफल हो जाएगी, पूरी होगी. Yes, every plan will be fulfilled. हाँ, हर एक योजना पूरी हो जाएगी. Haggai 2:6-10 says. हग्गई 2:6-10 ये कहता है. The Lord is coming back soon. परमेश्वर प्रभु बहुत ही जल्दी वापस आ रहे हैं. Before that, the nations will shake. और उसके पहले देश हिलाए जाएंगे. The seas and dry land will shake. और समुंदर और सूखी भूमि जो है वो हिलाई जाएगी. The heavens and the earth will shake. आकाश और पृथ्वी हिलाई जाएंगी. Then the desire of the nations will come. और तब जो देशों की मनसा है वो आएगी. Such a great God. इतना महान परमेश्वर. When he comes, the whole earth trembles. और फिर जब वो आएगा तो पूरी पृथ्वी कांपने लगेगी. Nations tremble. और पूरे देश कांपने लगेंगे. He is called, Jesus is called the desire of the nation. और यीशु को देशों की मनसा या इच्छा ऐसा कहा गया है. He will come. वो आएगा. And make all your plans succeed. और अपनी सारी योजनाएं पूरी करेगा. May God give you this experience. परमेश्वर आपको ये अनुभव दे. To have Jesus as your desire. कि आप यीशु को अपनी इच्छा रखें. And all His plans for your future may it be fulfilled. और आपके भविष्य के लिए उसकी सारी योजनाएं पूरी हो जाएं. May it succeed. और सफल हो जाएं. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Amen. Amen. God bless you. प्रभु आपको आशीष दे.